हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप और दोस्तों आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं कि ओमान का वीजा आप कैसे चेक करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको फ्रॉडिंग से बचाना और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि आप कभी भी फ्रॉड से बच सके, क्योंकि आजकल वीजा के मामले में बहुत ज्यादा फ्रॉडिंग आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आप अपना वीजा को वेरीफाई करेंगे कि क्या आपका वीजा सही है कि गलत है और इंप्लॉयमेंट है कि टूरिस्ट है। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलने वाली है ओमान वीजा से रिलेटेड। तो चले दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं हूं यहां पे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यही वो वेबसाइट है जहां से आप ओमान का वीजा चेक करेंगे और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चलिए मेरे पास एक वीजा आया हुआ, आप देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ वीजा किस प्रकार होता है। ये देख सकते हैं, ये है ओमान का वीजा और मैं इसी वीजा को वेरीफाई करूंगा। आप देख सकते हैं सुल्तनत ऑफ ओमान यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉयल ओमान पुलिस, और यहाँ पे वीजा का टाइप लिखा हुआ है 1A। यहाँ पे और भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर होगा सेम इसी प्रकार चेक करेंगे जिस प्रकार मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्लॉयमेंट वीजा, रेसिडेंट, और यहाँ पे वीजा ग्रांट डेट दिखा हुआ, मतलब कब का ये वीजा इशू हुआ है और वीजा कब तक आप यूज कर सकते हैं। तो 9 मई 2020 के पहले इस बंदे को जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ वीजा एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर नेम अबू हातिम LLC। तो इसी वीजा को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या ये वीजा सही है या गलत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको आना है इसी वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे टैब बना हुआ है ट्रैक योर एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखना है आपको वीजा एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स नेशनलिटी, उसके बाद से ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर, और इस टैक्स वेरिफिकेशन को, मतलब ये जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे से यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखते रहे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। चलिए अब हम यहाँ पे डालेंगे वीजा एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वीजा एप्लीकेशन नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीजा एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर आपको वहां पर फिल करना है। और इस बॉक्स में ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नंबर में आपको पासपोर्ट नंबर डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, ये पासपोर्ट नंबर, यही है पासपोर्ट नंबर, और इसी को आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और इस कैप्चा को भरना है। और डॉक्यूमेंट्स नेशनलिटी, यानी जो पासपोर्ट जहां से भी बना हुआ है उस कंट्री का यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे कि वो नेशनलिटी क्या है उस बंदे की यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे जो भी नेशनलिटी है आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद से सर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिल करके सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वीजा एप्लीकेशन नंबर, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नंबर और नेशनलिटी और कैप्चा फिल कर लिया। अब यहाँ करेंगे सर्च। जैसे यहाँ सर्च करेंगे, ये सर्च हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग जारी है और कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया वीजा एप्लीकेशन नंबर और ट्रेवल डॉक्यूमेंट नेशनलिटी, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नंबर यहाँ शो कर रहा है, स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अप्रूव्ड दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये वीजा सही है, आपको इस वीजा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट रिसिप्ट, यानी आप इस पे क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे एक PDF डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो भी गया। और यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि पूरा डिटेल्स आपको दिखाया गया कि इन्होंने जब वीजा आवेदन किया हुआ था तो कितना रुपए पैड किया हुआ था और पेमेंट रेफरेंस क्या है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि वीजा का टाइप क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे A1 एम्प्लॉयमेंट वीजा है और रेसिडेंस है, ठीक है ना, यानी एम्प्लॉयमेंट वीजा है। और किस कंपनी में जा रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर नेम भी दिखा हुआ है, अबू हातिम LLC, ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे अरबी में भी लिखा हुआ है उस कंपनी का नाम, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे स्पॉन्सर एड्रेस यानी कंपनी का एड्रेस भी यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, और किसको इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है यहाँ पे उसका नाम देख सकते हैं, श्री राम कुमार, और वीजा पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, श्री राम कुमार, ठीक है ना। और यहाँ पे उनकी पासपोर्ट नंबर और उस पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, इस तरह से आपको पूरा वीजा को वेरीफाई करना है। ये है ओमान वीजा चेक करने का तरीका। दोस्तों आजकल जो भी वीजा इशू हो रहा है, कुछ इस प्रकार से इशू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दोस्तों वीजा कैसे चेक करेंगे, तो सोचा मैं एक वीडियो आपके लिए बना देता हूं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैं हर तरह की कंट्री का वीजा चेक करने का प्रोसेस बताया हूं।
आप दुबई का वीजा चेक करना चाहते हैं, दोहा, कतर का, यानी जितने भी कंट्री है मैंने सबके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको सजेशन चाहिए या कमेंट अगर आप करना चाहते हैं, मेरे को कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। पासपोर्ट कैसे आवेदन करेंगे, पीसीसी कैसे आवेदन करेंगे, गमका मेडिकल कैसे आवेदन करेंगे, ये पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप हमारे चैनल को चेक करें। अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके बताएं और एक बार लाइक करें। दोस्तों लाइक करने से हमें बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है और हम वीडियो बनाने की और भी प्रेरणा मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।